प्रदर्शन शुरू हो गया है। 31,661 पदों पर ये शिक्षक भर्ती होनी है। नाराज अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर भर्तियों का प्रदर्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने एक हफ्ते में भर्ती के निर्देश दिए थे। 18 दिन बाद अभी तक काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। माना जा रहा था कि कल काउंसलिंग का शेड्यूल आ सकता है, लेकिन नहीं आया और अब अभ्यर्थियों ने इसके लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 31,661 पदों पर भर्ती होनी है। नाराज अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे। और एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, जिस तरीके से 31,661 पदों पर काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी होना था, माना जा रहा था कि कल ये शेड्यूल आ सकता है, ये देरी क्यों हो रही है? क्या प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर कोई बात सामने आ रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है अब देश के, आखिर ये देरी क्यों? 19 सितंबर को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि एक हफ्ते के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। देखिए, 69,000 पदों की जो भर्ती है वो जनवरी 2019 में परीक्षा हुई थी, उसके बाद कोर्ट में तमाम विवाद हुए जिसके चलते भर्ती रुकी रही। इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें 31,661 पदों पर भर्ती को लेकर राहत मिलती नजर आई, और जिसके बाद सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया अपना। सबसे बड़ा सवाल, 19 सितंबर को मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए, लेकिन वो एक हफ्ता आज 9 अक्टूबर हो चुका है, तब भी पूरा नहीं होता है अधिकारियों का। हमने इस बारे में अपर मुख्य सचिव जो है बेसिक शिक्षा विभाग की रेणुका कुमार उनसे बात की, जो डीजी है इस विभाग के उनसे हमने बात की, लेकिन किसी के पास ये स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा कि आखिर काउंसलिंग शेड्यूल कब जारी होगा। और यही वजह है कि आज आप देखिए, ये जो अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे आप देख रहे हैं, ये वो मेरिटोरियस, वो मेधावी अभ्यर्थी है जिनको यकीन है कि अगर 31,661 पदों पर भी भर्ती होगी तो किसी भी तरह भर्ती हो इनका में नाम जरूर होगा, क्योंकि ये इतनी हाई मेरिट के हैं। और आज इन लोगों को, जिन अभ्यर्थियों को रोजगार होना चाहिए था, जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए, वो आज सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही कहें तो गलत नहीं होगा। आखिर क्या वजह है? लगातार हम जब अधिकारियों से पूछते हैं तो कहते हैं काउंसलिंग के लिए एनआईसी से बात चल रही है, बेसिक शिक्षा परिषद जो है वो बात कर रहा है। तो आखिर ऐसी कौन सी लंबी वार्ता चल रही है कि समाधान नहीं निकल रहा, वो भी तब जबकि जिस चीज को प्रायोरिटी पर रखकर मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं। यानी इससे तो यही झलकता है कि मुख्यमंत्री की प्रायोरिटी की जो चीजें हैं वो भी अधिकारियों के लिए खास मायने नहीं रखती। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी है, अभ्यर्थियों से वार्ता चल रही है। आप देख सकते हैं इस समय जो अभ्यर्थी है, हमारे कैमरा सहयोगी जितेंद्र आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभ्यर्थियों के पास हम चलेंगे और उनसे भी हम इसके बाद बात करेंगे। यहाँ पर पुलिस जो है अभ्यर्थियों से बात कर रही है, एक तरफ उनको अधिकारियों से मिलाने के लिए कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ उन्हें यहाँ से हटाने की भी तैयारी है, जिससे उन्हें यहाँ से हटाकर इको गार्डन भेज सके, जो एक घोषित कह सकते हैं धरना प्रदर्शन का स्थल बनाया गया है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है वो यहाँ से तभी जाएंगे जब उनकी मांग पूरी होगी। सीधे अभ्यर्थियों के पास चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हाई मेरिट के बाद अगर उनको आज सड़कों पर बैठना पड़ रहा है तो ये बहुत ही शर्म की बात कही जा सकती है उन जिम्मेदार अधिकारियों के लिए भी जिनके ऊपर दारोमदार है इन लोगों के भविष्य को संवारने का, जिनके लिए उनको सीट मिली हुई है। क्या नाम है आपका? सर, प्रदीप तिवारी है। कहाँ से आए आप? सर, हम लखनऊ से। प्रदीप, ये बताओ कि आप लोग को तो भर्ती यकीन है कि मिल जाएगी, इतनी हाई मेरिट है, फिर भी आज सड़कों पर बैठे हैं, एक हफ्ता कब पूरा होगा अधिकारियों का? क्या बताया जाता है आपको जब मिलते हैं? सर, हम लोग से पहली बात ये लोग मिलते नहीं और चार चार घंटे वेट करवाते हैं। सर हम लोगों को PCS फ्री लगा है, मेंस लगा है किसी का, हम लोग सर इस एज में पर्ची दे के बैठे रहे चार घंटे, ये चार घंटे बाद मिलने बुलाते हैं और सर ये सिर्फ 10 सेकंड बात करते हैं और बोलते हैं आज नहीं आएगी, बस ये नहीं बताते कब आएगी, आज नहीं आएगी यही बताते हैं। यानी कोई जवाब आपको भी नहीं मिला? हाँ, कोई जवाब नहीं। और हम लोग जब धरना देते हैं तो ये SI महोदय के सामने, सबके सामने इनसे वार्ता होती है। 2 दिन पहले धरना हुआ, इन्होंने बोला कि हम 2 दिन में जारी कर देंगे, आज 3रा दिन है सर, हम लोग को फिर आना पड़ा, अब ये फिर मिलने आ रहे हैं सर, शायद फिर बोले 2 दिन में, फिर सर ये नहीं बोले। कुछ और अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बैठे हुए, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आप? सर, मैं प्रदीप नावर। आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारी टीम कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आई थी यहाँ पे और अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप 2 दिन बाद, 2 दिन के अंदर सूची और लिस्ट जारी हो जाएगी। 2 दिन के बाद हम फिर यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिर्फ ये जानने के लिए लिस्ट कब जारी होगी। ये हम लोग को रोज आश्वासन देते हैं और कुछ जारी नहीं हो रहा है, हम लोग को बस मूर्ख बना रहे हैं आश्वासन देके। योगी जी का एक सप्ताह में भर्ती पूरी करने का आदेश था, लेकिन ये अधिकारी लोग पता नहीं क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं इस चीजों को। इस समय मैं चाहता हूँ कि आप अधिकारी से बात हो पा रही है आपकी? अधिकारी से बात होती है लेकिन वो सही आश्वासन सिर्फ देते हैं, उस बात ले जाएंगे, दो अभ्यर्थियों मिलने ले जाते हैं और सही चीजें बताते नहीं है, सिर्फ आश्वासन देंगे कि 2 दिन के अंदर लिस्ट जारी हो जाती है, 2 दिन तक हम वेट करते हैं और
चीजें नहीं आती सामने। आपको क्या लगता है अब ये अधिकारियों का एक हफ्ता कब पूरा होगा? मुख्यमंत्री ने तो 19 सितंबर को कहा था। सर 19 सितंबर के बाद आज 21 दिन हो चुके हैं, भर्ती प्रक्रिया एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। ये ब्यूरोक्रेट्स माननीय मुख्यमंत्री जी से ऊपर हो गए हैं, जो उनके कहने के बावजूद भी संकल्प जो था एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र देने का वो पूरा नहीं हो सका। सरकार की छवि कहीं ना कहीं 31,661 परिवारों के लिए धूमिल हो रही है और अभ्यर्थियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। दो साल से भर्ती लटकी हुई थी, एक उम्मीद जगी थी कि कम से कम 31,661 को रोजगार मिलेगा, वो भी इन ब्यूरोक्रेट्स की वजह से साकार होता नहीं दिख रहा है। और अभी भी लगातार पिछले 21 दिनों में कम से कम 11 बार हमारे साथी आकर मिल चुके हैं, आश्वासन के अलावा कोई भी। अब देखिए इस भर्ती में एक चीज बताएं, एक कोई भी भर्ती आती है तो वो अभ्यर्थियों के लिए उम्मीदें लेकर आती है, सुनहरे भविष्य के सपने लेकर आती है, लेकिन ये वो भर्ती है जो जितनी भी बार इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है वो उन सपनों को तोड़ती है, उन उम्मीदों को तोड़ती है। बात करें जनवरी 2000 बिल्कुल, लेकिन सवाल पहले से है कि इतना बड़ा मामला है, मुख्यमंत्री ने इतनी बार इस मामले का संज्ञान लिया, आखिर क्या कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, क्या कर रही है यहाँ पर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, ये लोग आखिर क्यों अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते? जिस तरीके से इंटरेस्ट सीएम का बार बार आता है, क्या सीएम का इंटरेस्ट इन लोगों के लिए मायने नहीं रखता है? देखिए मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री का काम है निर्देश देना, उसको अमल में लाना, इम्प्लीमेंटेशन करना काम है अधिकारियों का। अगर कोई तकनीकी अड़चन है उसको दूर करना काम है अधिकारियों का। जैसा हम आपसे पहले भी कह रहे थे, ये भर्ती देखिए जब जब आगे बढ़ती है तब तक सिर्फ और सिर्फ इन अभ्यर्थियों के सपने टूटते नजर आते हैं। कई बार लाठियां भी खाई है इन लोगों ने, जब इनको अध्यापक बनना है, जो कहा जाता है मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉब, उस जॉब में जाने से पहले इनको लाठियों का भी सामना करना पड़ा है कई बार। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, आखिर अब मेहनत की है, सफलता पाई है, लेकिन उस सफलता के बाद नौकरी कब मिलेगी, इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। कुछ महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़ी, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग आगे आइएगा, ये लोग भी अलग अलग जगह से सामने आ रहे हैं। ये किसी को शौक नहीं है इस गर्मी में जमीन पर बैठे आकर, कोरोना काल भी है लेकिन मजबूरी है जो ये करा रही है।